स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रेतिमन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन है आपका, उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके आते हैं, कितने मार्क्स का आता है। तो ये हमने देख लिया था कि आपके 10 मार्क्स के आते हैं और 10 में से 10 आप कैसे ले सकते हैं, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, जिससे कि आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए आप कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है, तो जो मेजॉरिटी है वो उन बच्चों की है जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी को भी छोड़ के नहीं चलना है। जो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक पढ़ने के बाद में इस वीडियो में तो मैं आपको जो लास्ट ईयर जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो करवाऊंगी, इसके बाद आपको पीपीटी पर भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सामाजिक शिक्षण विधियां जो है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतने ज्यादा आपके मार्क्स जो है वो आएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ समझना है, रटने का जो काम है वो बातें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है, इसके अलावा कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर लर्न करने की नहीं होती है। तो सामाजिक अध्ययन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन एक सामाजिक विषय है, ठीक है। तो सामाजिक विषय होने के नाते इसमें हम सामाजिक व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि और एक विद्यालय यानी एक जो स्कूल है उसमें सब्जेक्ट के रूप में सामाजिक अध्ययन पढ़ा जाता है। हम जब 6th क्लास में देखते हैं, 6th, 7th और 8th क्लास में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप अब भी पढ़ भी रहे हैं उसी को, तो वो सामाजिक अध्ययन जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में भी है, लेकिन इसका दायरा इतना ही नहीं है, इतना काफी नहीं होगा सामाजिक अध्ययन के बारे में बोलना, क्योंकि इसमें हम और क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें हम जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन कर रहे हैं और सामाजिक मनोविज्ञान का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब हम हमारा जो सामाजिक अध्ययन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है, कल दो वर्ड थे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसके बारे में कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सामाजिक जो क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किया जाता है उसका सभी का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यवहारिक तौर पे हम जो अध्ययन करते हैं वो सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान जो है वो मानवीय अध्ययन का सैद्धांतिक रूप है। सामाजिक विज्ञान जो है वह मानवीय अध्ययन का सैद्धांतिक रूप है, यानी कि एक सिद्धांत जो होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है ना, एग्जाम्पल के लिए, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा कि वहां पर भी रिसर्च करके यानी कि खोजबीन करके कालीबंगा से हमें ईंटों के साक्ष्य मिले, या हमें लोथल से हमें जो गोदीवाड़ा है यानी बंदरगाह वो मिले, तो वहां हमने साक्ष्य जो है वो कलेक्ट किए। लेकिन सामाजिक अध्ययन में हम ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम मानवीय अध्ययन का व्यवहारिक रूप से अध्ययन करते हैं, जो भी मानव और समाज का और उसके द्वारा जो भी बातें क्रिएट होती हैं, मानवीय संबंध, इनका अध्ययन यहाँ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो आप नोट्स में करें, आप नोट्स में ये चीज जो है वो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझने के बाद वीडियो को पॉज करके ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और अध्ययन, जिसका अर्थ होता है समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन करना, यानी कि समाज द्वारा, अब समाज द्वारा में कौन आता है, व्यक्ति, तो व्यक्तियों द्वारा समाज में जो अध्ययन किया जा रहा है, समाज के लिए जो अध्ययन किया जा रहा है वो क्या है, सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पर समाज में कौन आ गया, बहुत सारे मनुष्य आ गए यानी मानव आ गए, हम लोग आ गए, तो यहाँ पर मानव जो है वो केंद्र बिंदु है, सामाजिक अध्ययन में मानव जो है वो केंद्र बिंदु है। ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो है आपका पॉइंट, ये एक क्वेश्चन में आपका पूछा भी गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसका प्रारंभ जो है सामाजिक अध्ययन का ये कब हुआ। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ जो है वह है यूएसए अमेरिका में 1892 में हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है। इस चीज को आपको रटना नहीं है, इसको तो समझना है आपको कि सामाजिक अध्ययन एक सामाजिक विषय है और सामाजिक विषय होने के नाते इसमें हम सामाजिक व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपने लाइन भी सुनी होगी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें हम सामाजिक संबंध जो होते हैं उनके व्यवहारिक रूप का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता यूएसए 1916 में ही मिली थी। मतलब प्रारंभ जो है वो भी अमेरिका के द्वारा ही 1892 में किया गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में से मान्यता जो है वह 1916 में दी गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसने दी थी, यूएसए ने दी थी, कब दी थी, 1916 में मान्यता, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था, 1892 में। ठीक है, अब उस बुक का नाम क्या है, कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र विषय के रूप में लाने की जो सिफारिश है वो किसने की थी, तो वो सिफारिश जो है वो मुदालियर आयोग ने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी 1952-53 में। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस के माध्यम से भी हम ये समझेंगे कि सामाजिक अध्ययन क्या है। ठीक है, अब देखिए परिभाषाएं, बी डी भाटिया क्या कहते हैं कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, एवं बालक उस पतवार विहीन नौका की तरह है जो लहरों में थपेड़े खाकर किस तट पर आ लगेगी। तो इसमें वीडी भाटिया कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, गोल जो है वो निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो आप लोग अपने ऊपर ही लगाकर देखिए, आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, रीड को क्रैक करना, ये आपका लक्ष्य है जिसके लिए आपने छोटे छोटे उद्देश्य बना रखे हैं। क्या भाई, हम ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, हम इस बुक से पढ़ेंगे, हम उस बुक से पढ़ेंगे, हम अपने नोट्स तैयार करेंगे, तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य है ये आपने बना रखे हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य जो है वो बनाएं। ठीक है, तो बी डी भाटिया की आपको ये जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान होता है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, एवं बालक उस पतवार विहीन नौका की तरह है जो लहरे के थपेड़े खाकर किस तट पर आ लगेगी। इसीलिए दोनों के में ये बोला है कि एक शिक्षक के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और एक बालक के लिए भी एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वह अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि मंजिल का उसे ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ है। और अगर बालक अगर उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो ऐसी नाव में बैठा हुआ है जिसमें उसके हाथ में पतवार नहीं है कि वो पानी को साइड में करके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है चार्ल्स ए बियर्ड का कहना है, सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान जो है वह मानव की जितनी एक्टिविटी है उनकी स्टडी करता है। ठीक है, तो इसके एक ट्रिक है। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए पी डी भाटिया को तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिए कि हमने कुछ नाव की या फिर हमने किसी मंजिल की बात की थी, हमने लक्ष्य की बात की थी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे इसको। चार्ल्स बियर्ड जो है वो इंग्लिश में बियर मीन्स क्या होता है, भालू होता है। ठीक है, अब भालू जो है वो कैसे एक्टिविटी करता है, वो मानव की तरह ही कुछ एक्टिविटी करता है, वही मानव की तरह रोता है, आपको भी पता होगा। तो जो मानवीय क्रियाकलाप है वो बियर करता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि बियर्ड यानी बियर्ड से आप बियर लगाना और ट्रिक लिखना कि बियर मानव की तरह क्रियाकलाप करता है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, तो आपको ये अब याद रहेगी हमेशा। नेक्स्ट है वेस्ले कहते हैं, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है।
अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान जो है उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है। यानी सामाजिक विज्ञान जो था उसको पढ़ने में हमें डिफिकल्टीज आई, ठीक है, लेकिन जब हम उसका बहुत ही इजी वे में उसका सरल रूप लेते हैं और जब उसका हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, सामाजिक अध्ययन। यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है उससे बहुत इजी है सामाजिक अध्ययन, क्योंकि हम उसमें वही अध्ययन करते हैं जो हम रह रहे हैं, जिनसे हम संपर्क रख रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे जो सुबह से शाम तक की जो भी क्रियाकलाप होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, ये सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन ही है। समाज में जो भी अध्ययन हो रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, ये सब क्या है, सामाजिक अध्ययन। लेकिन वही सामाजिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या है, एक सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ये होता है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर, ठीक है। वेस्ले ने, हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट है मोफात। मोफात कहते हैं जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए मोफात की तो, मोफात जो है महोदय, इनका तो नाम ही इतना अच्छा है, तो इन्होंने डेफिनेशन जो है वो और भी अच्छी दी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि हर कोई जो है वो जीने की कला मुफ्त में लेना चाहता है, जीने की जो सुंदर कला है उसे मुफ्त में प्राप्त करना चाहता है। तो इसको आप ट्रिक में लिख लेना आप अपने नोट्स में कि मुफात, यानी कि ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक लिखना, ट्रिक के आगे आप यहाँ इस डेफिनेशन के नीचे ही लिखना कि जीने की कला को हर कोई मुफ्त में प्राप्त करना चाहता है। तो ये ट्रिक हो गई। चार्ल्स बियर्ड में हमने ये वाली ट्रिक याद कर ली थी कि बियर्ड जो है वो मानव की तरह क्रियाकलाप करता है, ये बहुत अच्छे से याद हो गई। बीडी भाटिया जो है वो लक्ष्य की बात करते हैं, वहां हमने शिक्षक जो है उसकी तुलना हमने किससे करी है, हमने उस नाभिक की तरह की है, और शिक्षक की जो तुलना है वो हम नाभिक की तरह की है, बालक की तुलना जो है वो पतवार विधि नौका की तरह की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या करना है बस ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सभी इतने लुभावने होते हैं कि आपको सभी सही लगते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, आपने मेरे शब्दों को गौर किया होगा, तो मैंने कई बार इस लाइन को बोला है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सोचिए आप। देखिए सामाजिक अध्ययन में हम सामाजिक संबंधी अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नागरिकता का अध्ययन भी, नागरिकता का भी करते हैं, नागरिक का करते हैं, नागरिक यानी मानव का करते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानव का मानव के साथ संबंध, मानव का समाज के साथ संबंध, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या ये सभी, इसका आंसर देना है। ये आपके क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप उनको उठाकर देखना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट में से, इस टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा आपका, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। तो बताइए माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का हम शिक्षण करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या ये सभी। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि हम 6th, 7th, 8th क्लास में सामाजिक अध्ययन की बुक चलती है, आपने देखा होगा बुक के ऊपर क्या लिखा होता है, सामाजिक अध्ययन। और कब से स्टार्ट होती है ये, 6th क्लास से स्टार्ट होती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस टाइप से, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है वह कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि 6th क्लास से, ठीक है, ये आपको पता होगा। एग्जामिनर किस टाइप से पूछेगा ये तो उसी पर डिपेंड करता है। यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है, हमने सबसे फर्स्ट लाइन में ही ये चीज पढ़ी थी,
सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र कौन है? मानव है, समाज है, राष्ट्र है या सभी है? तो यहाँ आंसर क्या होगा आप बताइए, समाज हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है या सभी? इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें समाज को हम ले लेते हैं, लेकिन हमने क्या बताया था फर्स्ट में ही कि समाज का अध्ययन हम करते हैं, सामाजिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, इसका मतलब हम राष्ट्र का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है यानी केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? मानव। वही मानव से ही तो समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है, ठीक है? तो हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र कौन है? मानव। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए हमें इसकी स्टडी करनी चाहिए। तीव्र आर्थिक विकास के लिए करनी चाहिए, शैक्षणिक समस्याओं के लिए करनी चाहिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए करनी चाहिए। इसमें आपको चारों आंसर लग रहे होंगे, चारों ही बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है, कोई भी जो ऑप्शन है वो एक पक्ष की बात ना करता हो, और कोई अगर ऑप्शन जो है वो इन सबको लेकर चल रहा हो तो वो आपका राइट आंसर होगा। कैसे? आर्थिक विकास ये एक पक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक दृष्टि से यानी उस डेवलप होना चाहिए, शैक्षणिक एजुकेशन की बात कर रहा है केवल, ठीक है, ढांचागत सुविधाओं का विकास ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है, लेकिन आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता होती है, इसने इन सभी तीनों ऑप्शन को अपने में समाहित कर लिया, तो इसका आंसर ये होगा। लास्ट ये आपका सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर क्या पूछा था, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र है मानव, यहाँ क्या पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कई बच्चे पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान पढ़ा था हमने, कई बच्चे पढ़ेंगे हमने तो सामाजिक अध्ययन ही पढ़ा था केवल, लेकिन केंद्र बिंदु कौन है, ना तो इतिहास है, ना भूगोल है, ना ही राजनीति है, क्या है, मानव है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। इसका अर्थ है कि क्लासरूम में उस प्रोसेस को समझाइए, यानी कि क्लासरूम में वो क्या प्रक्रिया होती है जिससे कि शिक्षण जो है वो करवाया जाता है, टीचर का बच्चों से जो भी अंतःक्रिया होती है, जो भी विचार विमर्श होते हैं, जो भी क्वेश्चनिंग होती है, और पढ़ाने का जो तरीका होता है, शिक्षण विधियां जो भी शामिल की जाती हैं, इन सब का अध्ययन हम कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में करते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले जानना जरूरी है कि शिक्षण क्या है, ठीक है, टीचिंग क्या है, निश्चित समय व स्थान पर दिए जाने वाला ज्ञान। जब हम एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान अर्जित बच्चों द्वारा किया जाता है तो ये क्या है, शिक्षण है, ठीक है। तो जो यह शिक्षण है वो अनौपचारिक रूप से ना देकर औपचारिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया के अंग व पहलू। तो जो टीचिंग प्रोसेस है उसके कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से पहलू होते हैं। फर्स्ट है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का कहना है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो दो पहलुओं पर आधारित है, और वो दो पहलू कौन से हैं? एक तो है टीचर यानी कि शिक्षक, और दूसरा है छात्र यानी विद्यार्थी, ठीक है। एक तो शिक्षक है, एक छात्र है, तो इससे ही जो टीचिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है इसमें, तो यह इन दोनों ये अंग है शिक्षण प्रक्रिया के। नेक्स्ट जॉन ड्यूवी कहते हैं कि नहीं, द्विध्रुवीय नहीं है, यह तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन ड्यूवी भी क्या कहते हैं कि यह द्विध्रुवीय नहीं, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि इसके तीन ध्रुव हैं, यानी इसके तीन पहलू हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम, और तीसरा है छात्र, ठीक है। कौन कौन से है? एक तो शिक्षक है,
दूसरा पाठ्यक्रम है और तीसरा छात्र है। तो जो छात्र है सबसे जो मेन पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो कौन है? छात्र। अगर छात्र ही नहीं होगा तो पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित किसके बेस पर किया जाएगा, क्योंकि एनसीएफ जो है वो भी हमारा यही बोलता है कि पाठ्यक्रम जो है वो छात्र के अनुरूप ही निर्धारित होना चाहिए। और जब छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षक जो है वो पढ़ाएगा किसको? इसलिए मेन रोल जो मेन जो है केंद्र बिंदु है, जो केंद्र में है, तो वो कौन है? छात्र। एडम से आप याद करेंगे, याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एडम यानी कि एड, एड यानी कि दो चीजों को ऐड कर देना, दो चीजों को ऐड कर रहे हैं यानी कि डुए, याद हो जाएगा इससे। जॉन डुएवी, डुएवी यानी कि यहां देखिए इसमें तीन वर्ण जो है वो मिलाकर बना हुआ है, ठीक है। जब आप नहीं तो आप अगर एक आपको याद रह जाएगा तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो वैसे इसमें तीन जो है वो आपके दिए गए हैं वर्ण, तो यानी कि त्रिध्रुवीय, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे भी याद करना चाहे याद कर लें। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? बालक की मानसिक शक्तियों का विकास तथा उसे सीखने हेतु प्रेरित करना, ये सबसे मेन उद्देश्य है। क्योंकि जब ऑप्शन होते हैं तब उसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो सही लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है वह है बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना तथा उसे सीखने हेतु प्रेरित करना और उसे मोटिवेट करना, ठीक है, ये सबसे मेन है शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट है सफल शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कि एक जो टीचिंग है वो बेहतर कैसे हो सकती है, एक टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को बेहतर कैसे बना सकता है, तो उसके कुछ सिद्धांत है। फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि अगर बच्चा जो है वो खुद करके सीखेगा, यानी कि अगर वो खुद एक्टिविटी करता है और उसको खुद करके सीखता है तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो है केवल मार्गदर्शक का काम करे और बच्चों को खुद करके सीखने दे। अगर वो खुद करके सीखते हैं तो और अच्छे तरीके से सीखते हैं और वो उनको लंबे टाइम तक याद रहती है। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। तो अच्छे शिक्षण का ये सिद्धांत होता है कि किसी भी चीज को इकट्ठा ना पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूं, मैं अगर आपको जो आपके टीचिंग मेथड है, जो भी आपकी 11th और 12th यूनिट है, इसको मैं एक ही दिन में कवर करवा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इकट्ठा करवा दूंगी तो वो आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी, आपके ऊपर से निकल जाएगी। इसी तरीके से बच्चों को अगर सिखाएंगे तो उनको सभी जो चीजें हैं एक साथ ना बताकर उन्हें डिवाइड करके, उन्हें टुकड़ों में बांटकर अगर सिखाया जाएगा तो वो और भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे शिक्षण की का एक सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान की क्रमिकता का सिद्धांत, यानी ज्ञान की क्रमिकता यानी कि ज्ञान जो है वो क्रम वाइज देना चाहिए, स्टेप टू स्टेप दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को अगर जैसे कि आपने किसी बच्चे को सेंटेंस सिखाना है, सेंटेंस सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसको सबसे पहले वर्ण यानी स्वर या व्यंजन इसका उसे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसे वर्ड सिखाए जाने चाहिए, वर्ड के बाद सेंटेंस यानी वाक्यों पर जाया जाना चाहिए। तो ये एक क्रम होता है और इसे जो अच्छा शिक्षक है वह इसकी पालना करता है और ये सबसे मेन सिद्धांत है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चों को रुचि का अनुभव हो, यानी कि अगर टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चों को यही नहीं लगेगा कि उनके ऊपर कुछ बर्डन है, उन्हें कुछ लर्न करना है, उन्हें कुछ कल की क्लास के लिए इतना बोझ है कि हमें समझ में नहीं आया कल हम क्या करेंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चों के ये होता है कि टीचर ने करवा दिया और बोला उनसे कि नेक्स्ट डे जो है वो मैं ये लर्न करके आना, हम आपसे ये सब सुनेंगे। तो बच्चों के माइंड में यानी मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो बालक जो है वो बर्डन महसूस करता है तो वो उसे अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है रुचि यानी इंटरेस्ट पैदा करना। जितने इंटरेस्ट के साथ आप टीचिंग कराएंगे, जितने
अच्छे रुचि के साथ आप टीचिंग कराएंगे तो वो और ज्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। आप एग्जांपल जो है वो मूवीज से ले लीजिए, ठीक है। मूवीज जो है वो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है, आपका भी इंटरेस्ट होगा। क्या आपको मूवीज जो है वो रटाई जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको वो कहा जाता है दोबारा देखिए जब आप उसको समझ पाएंगे? नहीं, एक बार देख लेते हैं तो वो आपके जो माइंड में छप जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। अगर हम बालक के अंदर रुचि पैदा कर देंगे पढ़ाई से रिलेटेड तो वो उस चीज को और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब आपने टीचिंग कराई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाते जा रहे हैं, जी नहीं। आप क्या स्टेप बाय स्टेप उसका मूल्यांकन करिए, यानी आपने चैप्टर को थोड़ा पढ़ाया तो मूल्यांकन करिए, प्रश्न करिए बच्चों से, उनके आंसर लेने की कोशिश करिए। प्रेरक का सिद्धांत। प्रेरक का सिद्धांत आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। प्रेरक दो टाइप के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। अगर बच्चों को बोल दिया जाए कि आप जो है वो ये चीज कर सकते हो तो ये नकारात्मक जो प्रेरक है ये क्या होता है? नकारात्मक प्रेरक जो है ये भी एक प्रेरक ही है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, ये नहीं होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। अगर आप इस कार्य को कर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आप फेल नहीं हो पाओगे, फेल से बच जाओगे, ठीक है। तो ये होता है नकारात्मक प्रेरक, यानी कि हमने उसे प्रेरणा तो दी लेकिन उसे नकारात्मक जो पक्ष है उसको भी समझा दिया है कि अगर आप पास होना चाहते हो तो इस कार्य को आप कर लें, ठीक है। तो ये होता है नकारात्मक प्रेरक। नेक्स्ट है जीवन की परिस्थितियों से संबंध का सिद्धांत। किसी भी चीज को पढ़ाएं, एक टीचर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी चीज को पढ़ाएं तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनसे कोरिलेट करके ही पढ़ाएं, क्योंकि अगर उनसे जोड़कर पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा आसानी से वो चीज जो है वो याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम जो है, एनसीएफ जो है वह भी कहता है कि पाठ्यक्रम जो है वो छात्रों के अनुरूप होना चाहिए। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्र के स्तर को देखकर ही पढ़ाए। अगर प्राथमिक स्तर का जो बालक है उसे आप मुगल काल के बारे में पढ़ाने बैठा देंगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। सबसे फर्स्ट है मनह स्थिति निर्माण। मनह स्थिति निर्माण क्या होता है कि टीचर जो है वो सबसे पहले ये चीज जो है उसके माइंड में रहनी चाहिए कि जैसे ही वो क्लास में एंट्री करता है तो सबसे पहले उसको चैप्टर जो है वो बिल्कुल पढ़ाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसको जो मुख्य बिंदु होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाना है तो सबसे पहले जो उसके मुख्य बिंदु है उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए, डिटेल में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये तो है अनुदेशन पूर्व, यानी कि अनुदेशन पूर्व क्या करना है कि मुख्य बिंदुओं को ही टारगेट बनाना है कि हाँ हम ये पढ़ेंगे, आज हमें इसका अध्ययन करना है, हमें आज इसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट है अनुदेश अंतर्गत। इसके अंतर्गत बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो निकलवानी है कि बच्चों को इसके बारे में कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं वो इस बारे में, तो इसके अंदर ये आएगा। नेक्स्ट है परिप्रश्न या प्रश्न पूछना, ठीक है। अब आपने चैप्टर को जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो आपने बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी, आप बच्चों से क्वेश्चन भी कर रहे हैं जिससे कि बच्चों का जो ध्यान है वो टीचर पर लगातार बना रहे, वह जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान बना रहे, तो जिससे कि बच्चों और अध्यापक का दोनों का ही जो कनेक्टिविटी है वो भी लगातार बनी रहती है और ये रहना बहुत जरूरी होता है। तो अब उसमें आपने क्या किया, प्रश्न जो है वो पूछने स्टार्ट कर दिए कक्षा में चैप्टर के दौरान। तो बच्चे क्या है, एक्टिव होके उसको सुन रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत क्या कहता है कि
क्लास के अंदर अगर टीचर जो है वो बार बार बच्चों को मोटिवेट करता है, आपको लिमिट से ज्यादा मतलब लिमिट से ज्यादा बच्चों की प्रशंसा नहीं करनी है, नहीं तो बच्चा जो है वो ये सोचेगा कि हमें तो ये सब आता है तो वो नया ज्ञान लेने के लिए तत्पर होगा ही नहीं। तो उसको उसकी भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, सक्रिय अनुबंधन क्रिया प्रसूत सिद्धांत, वहां पर भी आपने देखा होगा कि चूहे को पुनर्वलन मिलता है जिससे कि उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों से आपने प्रश्न पूछा है, उन्होंने आंसर तुरंत दिया है तो आप उनको वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। प्रशंसा जो है वो उनकी की जा सकती है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट है विराम, ठहराव या जरूरी। चैप्टर के बीच बीच में थोड़ा ठहराव जो है वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों को लगातार उस चीज से जुड़े रहने के लिए कहा जाएगा तो बच्चे जो है वो परेशान हो जाएंगे और एक टाइम के बाद उन्हें जो है समझ में आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए विराम और ठहराव जो है वो बहुत जरूरी है। माइक्रो टीचिंग में भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी आपको विराम जो है वह दिया गया था, तो यही वो चीज है। नेक्स्ट है प्रेरणा, प्रेरणा हमने बात कर ली थी इसकी। उसके बाद है अनुबोधन, ये शब्द जो है इनके अर्थ ही आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब अनुबोधन क्या है, अनुबोधन का अर्थ होता है कि जब टीचर प्रश्न पूछ रहा होता है तो जरूरी नहीं होता है कि हर प्रश्न का उत्तर जो है वो बालक दे पाए, तो अनुबोधन का अर्थ होता है कि उन्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पूछा बच्चों से, ठीक है, अब अगर आप प्रश्न के साथ ही उन्हें थोड़ा हिंट भी दे देंगे, थोड़ा क्लू भी दे देंगे, तो उसे उस चीज को याद करने में आसानी होगी, हाँ हमने ये चीज देखी तो थी, हमने ये चीज पढ़ी तो थी, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो इसके साथ क्या है बच्चे जो है ना वो आंसर भी दे देते हैं, तो ये आंसर निकलवाने का भी एक आसान तरीका होता है। इसके अलावा एक टीचर जो है वो अच्छा टीचर कब कहलाता है कि क्वेश्चन तो वो पूछ रहा है बच्चों से, लेकिन उसके साथ साथ आंसर आने से पहले भी बच्चों को उसका उत्तर जो है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक संप्रेषण, तो क्लास में शैक्षिक संप्रेषण तो होता ही है, टीचर जो है वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, बातें होती है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, टीचर को बच्चों की बात समझ में आती है, बच्चों को टीचर की बात समझ में आती है, तो ये क्या है संप्रेषण है, एक दूसरे से बातें हैं, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ये हो गई क्लासरूम में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र, यानी कि टीचिंग में कौन से शिक्षण सूत्र जो है वो यूज होते हैं। फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, वही बात है जो हमने अच्छे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो थे पढ़े थे, तो थोड़े उसी से मिलते जुलते हैं। देखिए फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि बच्चे जो कुछ जानते हैं, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर उन्हें जो नहीं पता है उसकी तरफ ले जाना, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी चीज को आपने पढ़ाया तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि बालक जो है उसके बारे में कहां तक जानता है, ठीक है। नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर यानी सबसे पहले आपने वर्ण जो है वो पढ़ाए, वर्ण के बाद आपने शब्दों का अध्ययन करवाया, शब्द के बाद आपने वाक्य पढ़ाए, जिससे कि अब वो आसानी से उस चीज को पढ़ ले रहा है, ठीक है। तो सरल से हमेशा जटिल की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अनुमान की ओर, आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी, जीन प्याजे की थ्योरी में आपने 7 से 11 वर्ष की उम्र के बालक जो होते हैं वो मूर्त चीजों को देखकर, मूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, उन चीजों को लेकर वह सोच सकता है, ठीक है, उन प्रत्यक्ष चीजों को लेकर सोच सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो चीज उनके सामने नहीं होती है, अगर वो 11 वर्ष के बाद की उम्र जब देखता है तो अगर उसके सामने वो चीज नहीं भी होती है और अगर उसकी बात की जाए तब भी वो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है साधारण से जटिल की ओर, वही बात वही आ गई है कि सबसे पहले सिंपल चीजें जो है वो करवाई जाएंगी, उसके बाद जो है वह जटिल चीजें करवाई जाएंगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ यानी कि पूर्ण यानी कि संपूर्ण है कोई चीज,
और उसके अंश यानी कि छोटे छोटे पार्टों में बांटकर उसको सिखाना, ठीक है। कोई भी चीज पूर्ण है, ठीक है, अब अगर उसको आप डिवाइड कर देते हैं और टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो चीजें बहुत आसानी से सीख जाता है। तो ये थ्योरी जो है वो भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी। गेस्टाल्टवादी जो है वो ये कहते हैं कि हमेशा अगर किसी को अधिगम कराना है, किसी को सिखाना है, तो उसके लिए होल टू पार्ट की तरफ जाना चाहिए। होल मतलब कि संपूर्ण से अंश की तरफ जाना चाहिए। तो आपने चिंपैंजी वाली स्टोरी भी सुनी होगी, उसके लिए क्या था कि वह उसको पहले नहीं पता था, उसने स्टेप बाय स्टेप ही जाकर जो केले थे वो प्राप्त किए थे। ऐसा तो नहीं किया था कि उसके माइंड में पहले से ही आ गया था कि वो उनको छड़ी जो थी उनको जोड़ लेगा और केले प्राप्त कर लेगा, नहीं। उसने छोटे छोटे प्रयास करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए पहले एक स्टूल लिया, फिर दूसरा उस पर लगाया, नेक्स्ट बार में उसने तीसरा लगाया। ऐसी जो कोशिश करने के बाद जब उसने छोटे छोटे स्टेप लिए तब जाके उसने उस चीज को प्राप्त कर पाया। तो ये है संपूर्ण से टुकड़ों की ओर। अब ये जो आपके जो ये फोर शिक्षण सूत्र ये किसने दिए थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये चीज आपको याद रखनी है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने चार शिक्षण सूत्र दिए थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अनुमान की ओर, साधारण से जटिल की ओर। लेकिन आपका जो ये पूर्ण से अंश की ओर है ये देने वाले थे गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिससे कि और भी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन आपका है अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अध्यापन समाप्ति पर, या मूल्यांकन के समय। तो हमने इसका अर्थ पढ़ा था कि मन स्थिति क्या होता है। मन स्थिति यानी कि टीचर जब क्लास में जाता है तो डायरेक्ट नहीं पढ़ाता है, बल्कि वह कुछ बिंदुओं पर चर्चा करता है कि हाँ हम इन इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे। और दूसरा वह यह जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को कितना प्रीवियस जो नॉलेज है उनकी कितनी है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अब आप इस ऑप्शन में से देख के बहुत आसानी से बता पाएंगे कि जो मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है। क्या अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अध्यापन समाप्ति पर, या मूल्यांकन के समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व। नेक्स्ट है, सफल शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो हमने बहुत सारे शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे वो हमने पढ़े थे। फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सेकेंड है विभाजन का सिद्धांत, थर्ड है अरुचि का सिद्धांत, फोर्थ है ज्ञान की क्रमिकता का सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। विभाजन का सिद्धांत यानी कि किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले हम उसके जो छोटे छोटे पार्ट करके और फिर हम उसे पढ़ाएं तो बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ज्ञान की क्रमिकता का सिद्धांत, ज्ञान जो है वो क्रम वाइज दिया जाना चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो ये भी सही है। तो लास्ट आपका क्या बच रहा है? अरुचि का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था? रुचि का सिद्धांत। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो। ठीक है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है। अब आपने इतनी सारी जो थ्योरी है उसको समझा तो अब आपको समझ में आया होगा कि यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्न का आंसर नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए? छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए कि नहीं तुम्हें तो नहीं आता है, तुम तो बाहर निकलो। नेक्स्ट है, दंड देना चाहिए कि वही पनिशमेंट दे दो और काम खत्म शिक्षक का। थर्ड है, फिर कोशिश करें जैसे शब्दों का यूज करना चाहिए, यानी कि उसे मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो या तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ है, सहपाठी से पूछकर बताएं, कहना चाहिए कि वही अपने साथ के जो आपका जो क्लासमेट है उसे पूछ लो और फिर बताइए। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए, आप टीचर बनेंगे तो आप क्या करेंगे? छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे अगर आपके वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। दंड देंगे? नहीं, दंड भी नहीं देंगे। फिर कोशिश करो जैसे शब्दों का यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सहपाठी से पूछकर बताएं? नहीं। इसका आंसर क्या होगा कि फिर कोशिश करें जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, किन किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, चलिए देखते हैं। क्या उसे जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड जो है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षण तकनीक का होना चाहिए, जो टीचिंग में कौन कौन सी टेक्निक जो है वो यूज हो सकती है, इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए इन चीज की। इसका मतलब, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुबोधन का लाभ नहीं है। अब अनुबोधन का लाभ नहीं है, इससे पहले आपको अनुबोधन का जो अर्थ है वो पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहयोगी बनाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ावा देता है। हाँ, क्योंकि उस वो जो पार्ट है, वो जो पढ़ाया टीचर ने, वो चीज खत्म हो जाती है, तो नेक्स्ट जो है उस स्टेप पर वो जा सकता है। यह विद्यार्थियों को आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। जी, बच्चे आंसर देते हैं, अगर उनको थोड़ा भी हिंट दे दिया जाता है तो बच्चे जो है उनको फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो कहते हैं हाँ अब हमें आगे, हम नेक्स्ट चीज जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत, क्योंकि ये तीनों तो है। ठीक है, अब अनुबोधन का लाभ नहीं है, तो भाई तीनों है, तो जो लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, ये तो इसके लिए सही नहीं बैठ रहा है, तो आंसर क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। हमने जॉन ड्यूवी और एडम स्मिथ, इन दोनों के बारे में देखा था कि इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के जो अंग हैं, कितने पहलू हैं, ये बताए थे। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंग है क्या? शिक्षक है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम है, या उपरोक्त सभी है? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है। तो यहाँ पर क्या जॉन ड्यूवी के बारे में लिखा है कि जॉन ड्यूवी ने क्या बताया है शिक्षण प्रक्रिया के अंग को? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर एडम स्मिथ के बारे में बोला है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, तो शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। वो चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका 11th यूनिट ही चल रही है, इसके बाद एक चैप्टर और होगा और आपकी 11th यूनिट शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 4 है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के तीन पहलू होते हैं, ये हमने पहले भी जाना था कि एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, और तीसरा पाठ्यक्रम होता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो पाठ्यक्रम होता है, विद्यार्थी का उस पाठ्य वस्तु को न समझ पाना जो शिक्षक द्वारा उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, या इसके अतिरिक्त और भी अन्य समस्याएं होती है, तो वो कौन कौन सी समस्याएं होती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा कौशल संबंधी समस्या। भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? देखिए, LSRW, आपने नाम तो सुना ही होगा, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी सबसे पहले क्या होता है, बालक जो है वो सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, अंत में लिखना सीखता है। जब इन कौशलों में समस्या आ जाती है, यानी एक बालक जो है, विद्यार्थी जो है, वो शिक्षक के सामने ये समस्या उत्पन्न कर रहा है कि उसके जो उम्र के सभी बालक हैं, वो उस शब्द का उच्चारण करना सीख गए हैं, उस शब्द को पढ़ना सीख गए हैं या लिखना सीख गए हैं, लेकिन कुछ बालक, यानी कि कोई एक या दो बालक जो है वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे, ना ही उनके उच्चारण जो है उनमें क्लियरिटी आ रही है, ना ही वो उस चीज को लिख पा रहे हैं, तो ये समस्या जो है वो टीचर के सामने आती है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे की अक्षमता से उत्पन्न अधिगम समस्या। अक्षमता यानी कि क्षमता का न होना, यानी बच्चा उसमें सक्षम नहीं है। तो बच्चों की जो, बच्चे उस चीज में सक्षम नहीं है, तो इस तरीके से सीखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सीखने में यानी अधिगम में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों के सामने सीखने में प्रॉब्लम क्यों आती है? देखिए, आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी है, यानी सीखने संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं, आपकी डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, या फिर डिसग्राफिया, यानी पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है, लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, ये समस्याएं तो होती है। इसके अलावा भी बालक जो है वो सक्षम नहीं हो पाता है, उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण दो हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं? एक तो होते हैं श्रव्य दृश्य, ठीक है, एक तो होते हैं श्रव्य दृश्य विभेद संबंधी समस्या। ठीक है, यानी सुनने और देखने में जो भी
विषय वस्तु है, ना ही तो वो सुनने में भेद कर पा रहा है उसको, ना ही वो देखने में भेद कर पा रहा है, तो ये कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्या होती है, गामक संबंधी समस्या यानी फिजिकली जो समस्याएं होती है। अब इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आ सकती है जैसे कि अगर उस बालक को कोई चीज दे दी जाए तो वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर मान लीजिए पेन जो है वो ही अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है और ना पकड़ पाने की वजह से वो राइटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक समस्या है, ये गामक कौशल संबंधी समस्या है, यानी उस स्किल का उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और श्रव्य दृश्य विभेद यानी कि अगर उसको कोई चीज जो है वो बार बार बोली जा रही है फिर भी वो उस चीज को नहीं कैच कर पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है। और दृश्य यानी कि देखने संबंधी, यानी कि वह कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, लाल को तो वो कोई और नीला कलर बोल दे रहा है या फिर नीले को वो ग्रीन कलर बोल दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भेद नहीं कर पाता है, ये समस्या जो होती है वो है बच्चे की जो है वो अक्षमता से उत्पन्न होती है, यानी बच्चा जो है उसमें सक्षम नहीं है। अगर आपको कोई जो लाइन जो है वो समझ में नहीं आती है तो आप उसके क्या किए, टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े कैसे, अब जैसे अक्षमता है तो यहाँ परेशानी हो जाती है, ये अक्षमता क्या होता है, तो आप क्या कीजिए अ जो है उसको अलग कर लीजिए, आ यानी नहीं और क्षमता यानी कि उसमें सक्षम न हो पाना। नेक्स्ट है अवधान संबंधी समस्या, अवधान यानी कि कंसंट्रेट, ठीक है। तो वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, अब बालक जो है वो कई कारणों से ध्यान नहीं दे पाता है, किसी चीजों में पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये शिक्षक के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि शिक्षक का कार्य है बच्चे को उस चीज में दक्ष करवाना, लेकिन फिर भी वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह जो है वो बच्चा ना होकर बल्कि बच्चे के जो आसपास का एनवायरमेंट है, उसका जो जैविक कारक है, भौतिक कारक है, सामाजिक कारक है, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैविक कारक उसका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए उस शरीर जो है उसका बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक वो बीमारी से ग्रस्त रहा होगा, इस वजह से वो इस चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई पर। नेक्स्ट भौतिक, भौतिक यानी कि कुछ चीजें हैं भौतिक रूप से, कुछ चीजें हैं जैसे कि उसको जो प्रॉपर जगह है वही नहीं मिल पाती है ध्यान पढ़ने की, तब भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जैसे बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, इस वजह से भी वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट उसके सामने अगर सामाजिक समस्या आ जाती है, सामाजिक यानी कि वहां वह जिस समाज में रहता है उस समाज का जो एनवायरमेंट है वो उसके अनुकूल नहीं है, वो उसकी पढ़ाई के अनुकूल नहीं है। किसी बच्चे के सामने यह प्रॉब्लम आ जाती है कि वह पढ़ाई तो करना चाहता है, उसका जो पास पड़ोस का माहौल है वो अच्छा नहीं है, या फिर परिवार में ही उसके सही से व्यक्ति नहीं उसको मिल पा रहे हैं जो उसकी हेल्प कर सके, ठीक है, वो जो उसको कोऑपरेट कर सके। कुछ माता पिता जो है वो ही बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं रुचि की समस्या, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना मोटिवेशन के बच्चे को अगर आप कुछ भी अधिगम कराते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। बिना इंटरेस्ट के अगर वो पढ़ेगा तो वो सिर्फ एक किताबी कीड़ा रह जाएगा, उसे उसमें रुचि ही नहीं होगी, तो वो लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाएगा। और हमें शिक्षण इस तरीके से कराना है कि बच्चा जो है वो केवल पासिंग मार्क्स ही ना ले पाए बल्कि उसे आगे फ्यूचर में भी उसका काम ले पाए। नेक्स्ट है दूसरी परीक्षा प्रणाली, तो कुछ स्कूल जो है वो इसी टाइप के होते हैं जिनको केवल बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो अच्छे आने चाहिए, बच्चों ने कितना गेन किया या किस तरीके से उसने पढ़ाई की ये उससे उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है बड़े आकार की समस्या, अगर क्लास का बहुत ज्यादा बड़ा आकार है तो टीचर जो है वह अच्छे से बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, भाई अगर हॉल में अगर पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है वो केवल 20 ही है तो इससे क्या होगा, टीचर और बच्चों का जो कम्युनिकेट है वो नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। स्थान की कमी, और बड़ा आकार है तभी प्रॉब्लम है, और अगर स्थान की कमी है, स्थान की कमी यानी एक जो क्लास है वो इतनी है कि उसमें केवल 20 बच्चे जो है वो आ सकते हैं, लेकिन वहां पर आपने 80 बच्चे जो है वो बैठा दिया और उनको पढ़ाना है, बच्चों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पढ़ाई करने में उन्हें समस्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में संसाधनों की कमी, मान लीजिए एक क्लासरूम है तो उसमें टीचर जो है उसको ज्योग्राफी पढ़ाना है लेकिन उसको जो चार्ट है वो चाहिए, या फिर वो कुछ ऐसा कराना चाहता है बच्चों को, उसके माइंड में आता है कि प्रोजेक्टर होना चाहिए, उसके अभी उसके पास अभाव है, या वो साइंस का टीचर है तो वो क्या
उसके लिए मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, मॉडल से वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो इन अगर संसाधनों की कमी है टीचर के पास तब भी उसके सामने जो है अध्यापन संबंधी समस्या आती है। नेक्स्ट है अध्यापक का पक्षपात व्यवहार। एक टीचर है उसका जो व्यवहार है बच्चों से वह पक्षपात रूप में है। कुछ अगर शारीरिक रूप से जो कार्य हैं वो लड़कियों को इग्नोर करके वो लड़कों को प्रायोरिटी देता है कि तुमसे नहीं होगा तुम कर पाओगे, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों में हीन भावना पैदा हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा जो है वो टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। एक जो टीचर है वो सैद्धांतिक ज्ञान पर ज्यादा बल देता है, यानी सिद्धांतों पर ज्यादा बल देता है। तो सिद्धांतों पर ज्यादा बल ना देकर उस पर किसको बल देना चाहिए, उसको व्यवहारिक जो ज्ञान है उस पर बल देना चाहिए, क्योंकि वही तो लंबे टाइम तक चलेगा। अगर मैं ही आपको इस तरीके से पढ़ाने लग जाऊं कि भाई ऐसे पढ़ने लग जाओ, अवधान संबंधी समस्या, नेक्स्ट दूषित परीक्षा प्रणाली, नेक्स्ट बच्चे की अक्षमता से उत्पन्न समस्या, यानी कि मैंने आपको केवल सिद्धांत पढ़ा दिए, दैट्स ऑल, और अगर आपको याद कर लेने तो आप इस चीजों से याद नहीं कर पाओगे। अगर इनको कोरिलेट करोगे आप एग्जाम्पल के थ्रू जो कि आपके दैनिक कार्यों में आप देखते हो, तो इस चीज को आप क्या, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा, और यहाँ पर आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो थी समस्या, इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती हैं भाई, टीचर जो है उसके सामने और भी समस्याएं होती हैं कि वो पेरेंट्स से ये कहना चाहता है कि बच्चे जो है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स कोऑपरेट ही नहीं करेगा टीचर्स से तब भी टीचर्स के सामने जो है वो ये समस्या आ जाती है, क्योंकि बच्चों को वो हैंडल किस तरीके से कर पा रहा है। सबसे पहले जो उसके पीछे कारण है उनको उनकी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। अगर उसके पीछे कारणों का ज्ञान नहीं होगा तब भी वो अध्यापन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अधिगम की क्षमता किस पर निर्भर है? अब देखिए यहाँ पर क्षमता यानी कि सक्षम, ठीक है। तो सीखने में क्षमता जो है वो किस पर निर्भर है? क्या विद्यार्थी की रुचि होगी तो बच्चा बहुत, मतलब विद्यार्थी का अगर इंटरेस्ट होगा तो क्या वो अधिगम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। शिक्षण की विधियां हम नई नई लेकर आएंगे तो कर पाएगा विद्यार्थी? बिल्कुल कर पाएगा। अधिगम सामग्री, अगर हम बहुत सारी जो अधिगम सामग्री है दृश्य श्रव्य सामग्री का हम यूज करते हैं तो क्या अधिगम जो है वो अच्छा होगा, यानी बच्चा जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा। इसका मतलब फोर्थ आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान देना है, शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। गामक कौशल, मैंने बताया था आपको जो भी फिजिकली स्किल्स होते हैं यानी कि दौड़ना, भागना, कूदना, चढ़ना, गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है। गेंद ना पकड़ पाना, ये गेंद तो हाथ से ही पकड़ेंगे ना, और हाथ से पकड़ेंगे तो ये क्या है? गामक कौशल है ये, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दौड़ ना पाना, ये भी नहीं होगा, ये क्या संबंधी समस्या है? दौड़ ना पाना ये समस्या है। अनियंत्रित चाल, चाल जो है वो नियंत्रण में नहीं है, ये भी एक समस्या है, तो ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। नेक्स्ट है अक्षर भेद ना कर पाना, ये नहीं है क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको यहाँ श्रव्य दृश्य विभेद यहाँ पर बताया था कि अगर आंखों का रंग जो है, अगर आंखों से रंग जो है उनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, या तो यानी कि अक्षर में भेद भी नहीं कर पा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये कैसी प्रॉब्लम है? श्रव्य दृश्य विभेद करने में कठिनाई ये है, ठीक है। तो यहाँ पर गामक कौशल के बारे में पूछा था, तो राइट आंसर हो गया फोर्थ। अधिगम का मुख्य चालक है अधिगम, यानी सीखना। सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ? मोटिवेट करती हूँ। तो मोटिवेट जो है वो सबसे अहम रोल निभाता है सीखने के लिए, ठीक है। चाहे कितना भी किताबी ज्ञान ले लो, लेकिन अगर आप मोटिवेट हो जाते हो तो उनको भी आप कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन क्या है, पुस्तकें, पुस्तकें क्या मुख्य चालक है, मुख्य पूछा है, ज्ञान, अभिप्रेरणा या सहपाठी। तो देखिए यहाँ आ गया अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तो जब मोटिवेशन ही मिल गया हमको तो इन सारे हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कंप्लीट कराए थे और आप लोगों ने देखे भी होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा, उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके शिक्षण विधियों के हल होते हैं। तो चलिए
आज हम स्टार्ट करते हैं समालोचनात्मक चिंतन। देखिए चिंतन क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है, उसके बाद हम आएंगे समालोचनात्मक चिंतन का। अब चिंतन क्या होता है, आप लोग भी चिंतन करते हो, ठीक है, और सभी करते हैं चिंतन, यानी जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तो यही होता है चिंतन। और उसके फिर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो ये सोचना क्या है, ये चिंतन है। तो देखिए चिंतन क्या है, चिंतन है किसी समस्या के बारे में सोच विचार। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि चिंतन क्या है, तब हमारे दिमाग में यह नहीं आ पाता है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। वहां पर ऑप्शन आपके हो जाते हैं शारीरिक प्रक्रिया, मनोगत्यात्मक प्रक्रिया, मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया या मानसिक प्रक्रिया। तो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रकट व्यवहार। चिंतन क्या है, अप्रकट व्यवहार है। क्या आप कभी सोचते हैं तो उसको क्या प्रकट कर पाते हैं कि मैंने हाँ इतना सोचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसके बारे में सोचा, तो यह आप प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस व्यवहार को प्रकट करना असंभव है, इसीलिए यह क्या है, एक अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। तो इसे आप साधारण अर्थ में भी लें कि चिंतन यानी कि क्या कर रहे हैं, चिंतन यानी किसी भी चीज के ऊपर सोच रहे हैं। अब चिंतन जो है वो बिना बात के नहीं होता है, चिंतन के लिए हमें कुछ ना कुछ क्लू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिग्नल होता है, कोई सिंबल होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है, जब भी विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। और ये क्या है, एक अप्रकट व्यवहार है, यह प्रकट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान के बीच मध्यस्थ। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, अब प्रॉब्लम कोई समस्या है तो उसका समाधान आ गया, लेकिन वो समाधान कैसे आया, हमने कुछ विचार किया, सोचा, जब भी तो आया, तो हमने क्या किया, चिंतन किया, तो यहां से यहां तक आने में हमें क्या लगा, चिंतन, यानी हमने उसके बारे में सोचा। तो चिंतन जो है वो एक मध्यस्थ का काम करता है, एक सेतु का काम करता है समस्या और समाधान के बीच में, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है। यह विशिष्ट गुण केवल मानव के अंदर ही है, ये कोई जानवरों के अंदर जो है वो चिंतन नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो मानव निकाल पाता है। मानव के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है चिंतन करने की, जो वो सोच सकता है, विचार कर सकता है। जानवर जो होते हैं वो नहीं इस बात को कर सकते हैं, वो नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशिष्ट गुण है जो कि केवल मानव के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन से बिंब हो सकते हैं, ऐसे कौन से उपकरण हो सकते हैं कि जिनको देखकर चिंतन किया जा सकता है। तो चिंतन के लिए कोई सिग्नल हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, जैसे रास्ते में अगर जाते हैं तो हमें रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ठीक है, ये दिखाई देता है, तो उनको देखकर हम हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि हाँ रेड है, अब हमने पहले इसके बारे में समझा था, इसीलिए हमने क्या दिमाग लगाया कि हमें स्टॉप हो जाना है, यानी रुक जाना है। ग्रीन सिग्नल है तो हमें ये पता लग गया कि अब हमें यहाँ से चले जाना है, तो ये क्या है, उसके बीच में ही हमने चिंतन कर लिया था जिसका हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि क्या है, ये एक अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। तो चिंतन के लिए संकेत हो सकता है, चिंतन का माध्यम जो है वह चिन्ह भी हो सकता है, यानी सिंबल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ। चिंतन के लिए एक पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बारे में ही सोचा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चिंतन के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रतिमा। प्रतिमा यानी इमेज। मान लीजिए कि गांधी जी की प्रतिमा को देखते हैं, यह जो प्रतिमा है वो क्यों बनाई गई है, इन्होंने ऐसा देश के लिए क्या किया था, तो यह क्या है, सोच विचार करके और फिर उस सॉल्यूशन पर पहुंचना कि हाँ ये जो प्रतिमा है ये इस वजह से यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रतिमा का होना भी जरूरी है। तो ये कुछ उपकरण है जो चिंतन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है चिंतन के स्टेप।
कैसे कैसे स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम होती है उसके बाद डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, समस्या। समस्या होती है, हमारे पास कोई समस्या आ जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन विचारों का आना, यानी बहुत सारे विचार हमारे माइंड में आते हैं। मान लीजिए एक समस्या है, अब वो क्या है कि हमारा जो एग्जाम है वो उसकी डेट कब होगी, यही आपकी जो समस्या है आ रही है कि कब होगी। अब हमारे माइंड में विचार आ रहे हैं, फरवरी में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है, या फिर जनवरी में तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे विचार आपके माइंड में आ गए, तो आपने क्या किया, वहां आपने साइट में जाकर देखा, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि नहीं अभी तो डेट नहीं आई है, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पर ही कोई विशेष जो टीचर्स होते हैं उनसे जाकर ये पता कर लेते हैं कि नहीं अभी ये डेट नहीं आई है, तो आपको क्या मिल गया, उसका समाधान मिल गया, विचारों का लक्ष्य के साथ समाधान। तो अब आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या, आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया कि नहीं अभी नहीं है, अभी टाइम है, अब हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपने इसका हल निकाल लिया और फिर आप सक्रियता पर आ गए, ठीक है। उसको आपने हल कर लिया और उसके बाद दोबारा से कोई नई समस्या आएगी, दोबारा से हम विचार आएंगे बहुत सारे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद उसका हल निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इसके स्टेप है, इनको केवल आपको समझना है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कर लेंगे। अब आता है कि समालोचनात्मक चिंतन क्या है। चिंतन तो हमें पता लग गया कि चिंतन जो है वो क्या होता है, है ना। अब हमें पता करना है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक यानी सम धन आलोचनात्मक, यानी चिंतन किया लेकिन उसका इतने अधिक गहराई से चिंतन किया, जब हमारे क्यों और क्या के प्रश्न जो है वो हर शब्द पर उठ रहे हैं, यही होता है समालोचनात्मक चिंतन। अब समालोचनात्मक चिंतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि चिंतन करना और चिंतन के ऊपर चिंतन करना, यानी कि और अधिक गहराई से विचार करना, सोचना, तो वह होता है समालोचनात्मक चिंतन। तो हमें क्या करना है, बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो चिंतन तो करें लेकिन चिंतन के ऊपर भी चिंतन करें, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन जो है उसका डेवलपमेंट उनके अंदर हो सके, जिससे कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आती है, क्योंकि बच्चों का माइंड जो है वह बहुत दिशाओं में दौड़ता है। इसी तरीके के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन में यह टॉपिक है कि हमें जब विद्यार्थी को समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वह किसी भी चीज के बारे में अगर सोचते हैं तो उसे बहुत अधिक गहराई तक सोचे। चिंतन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं, एक रुचि हो सकती है, भाई इंटरेस्ट हो सकता है जिससे कि चिंतन जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। अगर आपका किसी चीज में रुचि ही नहीं है तो आप उस विचार के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं। तो रुचि जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है किसको, चिंतन को। इसके अलावा प्रेरणा, ठीक है, अगर आप मोटिवेट ही नहीं है उस चीज के लिए, तैयार ही नहीं है उस चीज के लिए, तो आप चिंतन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, इसके लिए आप किसी को फोर्स करके और उसको चिंतन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से किसी भी तरीके से उसको प्रेरणा जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह से क्या अर्थ है, पूर्वाग्रह यानी कि पहले के जो विचार हैं उसी तरीके से दिमाग में पहले से ही उन विचारों का आना, यानी कि हमें पहले से ही कुछ पता है उस बारे में और फिर हम चिंतन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पूर्वाग्रह जो है वह भी किसको प्रभावित करते हैं, चिंतन को प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए सतर्क हैं तो हम आराम से बैठकर और फिर चिंतन कर सकते हैं, और अगर हम उस चीज के लिए सतर्क ही नहीं है तो चिंतन को वो प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है संवेग। संवेग जो है उनका भी अहम रोल होता है, वो भी प्रभावित करते हैं चिंतन को। कैसे प्रभावित करते हैं, अगर आपके जो संवेग हैं, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उससे आप कनेक्ट ही नहीं है तो
तो संवेग जो है वह चिंतन को प्रभावित करेगा। ठीक, नेक्स्ट है हम देखते हैं कि चिंतन के प्रकार कौन कौन से चिंतन हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है अपसारी चिंतन, सेकंड है अभिसारी चिंतन, थर्ड है विवेचित चिंतन, फोर्थ है तार्किक चिंतन और फिफ्थ है आत्मचिंतन। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इन दोनों के बारे में तो आपने गिलफोर्ड की थ्योरी में भी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में, है ना। तो वहां पर आपने इनके बारे में अच्छे से समझा होगा कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जो क्रिएटिविटी जो है उससे संबंधित होता है, अभिसारी चिंतन जो कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित होता है। तो देखिए अपसारी चिंतन का अर्थ है सृजनात्मक चिंतन, यहाँ पर जो भी क्रिएटिविटी है उसका विकास होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ नवीनता और नए जो भी आविष्कार होते हैं वो शामिल होते हैं। एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर ना होगा, अनेक विकल्प होते हैं। ठीक है, अगर कोई बालक जो है वह एक दिशा में ना सोचकर वह कई दिशाओं में जाकर सोच रहा है तो क्या है, ये अपसारी चिंतन। इसका एक एग्जांपल वो आपको सिंपल सा मैं देती हूँ। मान लीजिए कि कक्षा में जो टीचर है उसने ये प्रश्न किया कि बताइए कि आम जो है उनके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यानी आम से आम का यूज जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों का आंसर क्या आएगा, सबका समान तो नहीं आएगा। एक बोलेगा कि इससे जैम बनाया जा सकता है, सेकंड बोलेगा कि हाँ इससे मैं जूस बना सकता हूँ, या नेक्स्ट बोलेगा इससे कि मैं आम पापड़ बना सकता हूँ, या फिर मतलब अपना अपना अचार बना सकता हूँ। सभी अपना अपना व्यूज जो है वो अलग देंगे, किसी का भी व्यू समान नहीं होगा। वहां पर एक दिशा में जाकर नहीं सोचा है, सबने अपने अलग अलग दिशाओं में जाकर सोचा है। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रिएटिविटी है उनका उसका विकास हो रहा है। सृजनात्मक चिंतन जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अपसारी चिंतन जो है वह किस प्रकार का चिंतन है, बुद्धि से रिलेटेड है या फिर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो वहां आपका उत्तर क्या था, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन का ही अपोजिट है। यानी अपसारी चिंतन में हमने कई दिशाओं में जाकर सोचा था, अपसारी चिंतन में हम केवल एक ही दिशा में जाकर सोचते हैं। यहाँ पर हम एक ही दिशा में जाकर सोचते हैं। अब ऐसा कैसे सोचा जा सकता है, भाई कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, टीचर अगर एक प्रश्न पूछती है तो सबका आंसर जो है वो यहीं पर आकर रुकेगा, एक ही बिंदु पर आकर रुकेगा। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, अब कितने भी विद्यार्थियों से आप पूछ लीजिए उनको एक ही आंसर आपका देंगे वो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो सब आंसर एक ही देंगे, यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, ना ही कोई आविष्कार हो रहा है, क्योंकि आंसर उनको पहले से ही पता है कि यही होगा और इसके बारे में हम आगे नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आपको आंसर मिल गया। तो ये क्या है, अभिसारी चिंतन, इसे यथार्थवादी चिंतन भी कहते हैं। यह वास्तविक चिंतन यानी वास्तविकता पर निर्भर करता है, इसमें नवीनता नहीं है। नेक्स्ट है विवेचित चिंतन। अब विवेचित चिंतन क्या होता है, विवेचना यानी कि जब कोई समस्या होती है उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है लेकिन उसके बाद दोबारा से उस पर विचार किया जाता है तो वो क्या होती है, विवेचित चिंतन। जैसे सीआईडी करते हैं ना, वही अगर कोई प्रॉब्लम है और सबसे पहले पता लगा उनको किस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकल चुका है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, खोजबीन करते हैं, वो क्या करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वो क्या है, विवेचित चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो कि नाम से स्पष्ट है यानी कि तर्क पर आधारित, किसी तर्क पर आधारित जो चिंतन होता है वह होता है तार्किक चिंतन। अगर पूछ लिया जाए कि चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण चिंतन कौन सा प्रकार है तो वहां आपका उत्तर क्या होगा, तार्किक चिंतन। ठीक है, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होता है तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है चिंतन का प्रकार। नेक्स्ट है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन के अंतर्गत तो व्यक्ति क्या करता है, स्वयं के बारे में इतनी गहराई से सोचता है, वह दुनिया से हटकर ही वह ऐसे विचार जो है उसके माइंड में आते हैं, वह आत्मा और परम ब्रह्म इन दोनों के
बीच में यह सोचने पर मजबूर होता है, वह बाहरी दुनिया से कटकर मन और आत्मा के बारे में सोचता है। तो जब व्यक्ति जो है वो अपने स्वयं के बारे में ही सोचना प्रारंभ कर देता है, हमेशा स्वयं में ही लीन रहता है और खुद को ही प्रूव करना चाहता है, तो वो क्या होता है, आत्मचिंतन, यानी कि खुद को पहचानना। अब हर व्यक्ति तो खुद को पहचानने में नहीं लगा रहता है, क्योंकि कई व्यक्ति जो है वो तर्क पर आधारित चिंतन कर रहे हैं, कोई सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं, कोई केवल वास्तविक चिंतन कर रहे हैं। तो ये सभी थे आपके चिंतन के प्रकार। इस तरीके से आज हमने चिंतन के प्रकार देखे, उपकरण देखे, चरण देखे, और हमने यह जाना कि चिंतन क्या होता है। तो हमें अंत में कंक्लूजन ये अगर मूल्यांकन करते हैं तो ये निकल कर आता है कि चिंतन क्या है। चिंतन एक समस्या का जब हम समाधान ढूंढते हैं तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, चिंतन, यानी कोई सोच विचार करते हैं। और जब हम बहुत अधिक गहराई से उस बारे में सोच रहे होते हैं तो वो क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रक्षा, प्रक्षा प्रतिमान। देखिए प्रक्षा प्रतिमान यानी कि पूछताछ, ठीक है, इसका अर्थ होता है पूछताछ, यानी कि बच्चों में पूछने की जो कला है उसको, उसका विकास करना, उस कौशल का विकास करना, जिससे बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो पूछने की प्रवृत्ति उनमें आ सके। देखिए प्रक्षा प्रतिमान का जो प्रतिपादन है वो 1962 में रिचर्ड सचमैन ने किया था, जो कि अमेरिका के थे। तो ये सीधे का सीधा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था। तो किसने किया था, रिचर्ड सचमैन ने किया था। डेट आपको याद रखनी है, कब किया था, 1962 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षा प्रतिमान के लिए जब रिचर्ड सचमैन ने सबसे पहले जिसका प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने सबसे पहले वर्क जो है वो भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु किया था, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो हम केवल वही चीज करेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगी, आपके एग्जाम के लिए काम में आपके आएगी। तो इनमें से तीन प्रश्न जो है वो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। कौन से पूछे जा सकते हैं, कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया, रिचर्ड सचमैन ने किया। कब किया, 1962 में किया, ठीक है। और किस शिक्षण हेतु किया, भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु उन्होंने इसका प्रयोग किया, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब प्रक्षा प्रतिमान, जैसा कि मैंने बताया, इसका अर्थ होता है पूछताछ, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने के कौशल का विकास करना, ठीक है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से क्या करना, पूछताछ के कौशल का विकास करना। उसके बाद खोज, तर्क, तथ्यों का संकलन यानी तथ्यों को इकट्ठा करना, और ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड है, इनको ही आप कैच करने की कोशिश करें, यही ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछ लिए जाएंगे। आपके चार ऑप्शन में ये सभी दे दिए जाएंगे। इसके अलावा सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, यह किस पर आधारित है, क्योंकि इसमें खोज होती है। अब खोज होती है तो यानी कि सृजनात्मकता है, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि हर चीज को नए तरीके से तैयार करना, ठीक है। तो सृजनात्मक अनुसंधान पर यह आधारित है। उसके बाद प्रक्षा प्रतिमान जो है उसका चक्र देख लेते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, ठीक है। कोई भी समस्या होती है उसका हम क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है कि समस्या जो है वो क्या है, और समस्या जो है वो क्या कहना चाहती है, और इस समस्या के ऊपर हम जो भी पूछताछ की क्रिया है, जो भी खोज है, जो भी अनुसंधान करेंगे, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने जब समस्या का स्पष्टीकरण कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका समाधान हेतु प्रयास करेंगे। समाधान हेतु प्रयास करने के बाद आप क्या करेंगे, सूचनाओं को एकत्रीकरण करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, तथ्यों का संकलन करेंगे। उसके बाद आप पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद आप पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। तो ये आपको स्टेप जो है वो ऐसे के ऐसे ही याद होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है समस्या का चयन,
सेकंड है समस्या का स्पष्टीकरण, थर्ड है समाधान हेतु प्रयास, फोर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण और फाइव है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले समस्या का चयन होगा, फिर स्पष्टीकरण होगा, उसके बाद आप समाधान हेतु प्रयास करेंगे, फिर सूचनाओं का एकत्रीकरण करेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ये किसके हैं, ये है परीक्षा प्रतिमान का चक्र। अब हमने परीक्षा प्रतिमान यानी पूछताछ की प्रक्रिया है उसको हमने पढ़ लिया। ये दूसरा टॉपिक है आपका आनुभाविक साक्ष्य। आनुभाविक साक्ष्य यानी कि अनुभव के आधार पर साक्ष्य। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जो अनुभव तथा अवलोकन पर आधारित हो, जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर आधारित हो और अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो और अवलोकन द्वारा ही सही या गलत साबित किया जा सके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जिस तरीके से हमने परीक्षा प्रतिमान का चक्र देखा तो अनुभाविक साक्ष्य का जो चक्र है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले है अवलोकन। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे अवलोकन का अर्थ होता है तथ्यों का एकत्रीकरण। ठीक है, अवलोकन वर्ड ना देकर अगर फर्स्ट स्टेप तथ्यों का एकत्रीकरण दे दिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। अवलोकन का अर्थ होता है तथ्यों का एकत्रीकरण। ठीक है, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, यहाँ हम आनुभाविक साक्ष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आगमन। अब आगमन क्या होता है, आगमन होता है परिकल्पना का निर्धारण। क्या होता है, परिकल्पना का निर्धारण। ठीक है, परिकल्पना का निर्धारण यानी कि काल्पनिक रूपरेखा बनाना। हम अपने माइंड में जो काल्पनिक रूपरेखा है वो बनाते हैं उस समस्या से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, अवलोकन किया यानी तथ्यों का एकत्रीकरण किया, उसके बाद हमने क्या किया, आगमन। आगमन यानी कि हमने परिकल्पना का निर्धारण किया, हमारे माइंड में जो भी कल्पनाएं थी उस तरीके से हमने सोचा यानी कि काल्पनिक रूप से हमने क्या किया, उनका काल्पनिक रूप से उनको क्या किया, हमने काल्पनिक रूप से उसकी जो रूपरेखा है वो हमने अपने माइंड में बना ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है निगमन। अब निगमन का अर्थ होता है यानी परिकल्पना का आपने निर्धारण कर लिया, उसके बाद परिकल्पना का क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे। ठीक है, परिकल्पना जो भी आपने रूपरेखा बनाई है उसका क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे। परिणाम निकालना, ठीक है, उसके बाद है आपका परीक्षण। जब आपने परिकल्पना का निर्धारण कर लिया, परिकल्पना का परिणाम निकाल लिया, फिर आप आते हैं परीक्षण पर। परीक्षण के अंदर क्या होगा कि अनुभव सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, अब हम अनुभव की बात कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, अवलोकन के आधार पर तथ्यों का एकत्रीकरण किया, उसके बाद हमने क्या किया, परिकल्पना का निर्धारण किया, हमें रूपरेखा बनाई अपने माइंड में, उसके बाद हमने परिकल्पना का क्या किया, परिणाम निकाला, निगमन, उसे निगमन कहा गया। ठीक है, फिर हमने परीक्षण यानी कि अनुभव सामग्री के आधार पर हमने क्या किया, विश्लेषण किया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अनुभव सामग्री के आधार पर विश्लेषण। ठीक है, लास्ट में हम मूल्यांकन पर पहुंचते हैं, इवैल्यूएशन पर पहुंचते हैं। मूल्यांकन में क्या किया हमने, देखिए फिर हम अवलोकन और अनुभव इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, सही और गलत साबित कर लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके आनुभाविक साक्ष्य। उसके बाद देखिए परीक्षा प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य, इसके क्या गुण हो सकते हैं, इससे विद्यार्थियों में क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, गुण क्या है इसका, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। बालक जो है वो व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करना सीख जाता है क्योंकि वह क्या करता है, खुद पूछने के कौशल का विकास होता है उसके, खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है, उसकी जो जो भी उसके काल्पनिक तथ्य है
काल्पनिक जो भी रूपरेखा है उनका विकास होता है, यानी कि सोचने की जो शक्ति है उसका विकास होता है, तो वह उसे व्यवहारिक तौर पर भी व्यवहार में लाने की भी कोशिश करता है, जिससे कि व्यवहारिक ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास। आप किसी भी चीज की अगर खोज करते हैं तो उसके आगे की उसके नेक्स्ट क्या होगा, उसके नेक्स्ट क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसकी भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है पूछताछ की प्रवृत्ति का संचार। जी हाँ, यह परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य ही यही था कि इससे बच्चों की जो पूछने की प्रक्रिया है उसका विस्तार हो सके। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। जब हम खोज करते हैं, जब हम तथ्य करते हैं और वैज्ञानिक ढंग से हम पूछने के कौशल का विकास करते हैं, तो इससे क्या होता है, वैज्ञानिक जो अभिवृत्ति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है मानसिक शक्ति का विकास। अब बच्चों का माइंड जो है वो इतने अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, तो इससे मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ये बात भी आती है कि हर बालक जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है, अलग ही उसकी सोचने की शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास उसका अलग अलग होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही उनमें विकास जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सभी जो है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अवसर। अब इसमें विद्यार्थियों को भरपूर अवसर दिया जाता है। अब इसके एक डिमेरिट है, इसका एक दोष है, और वो क्या दोष है, तो यहाँ छोटी कक्षाएं और मंदबुद्धि बालक, इनके लिए ये कम उपयोगी होता है, क्योंकि वो इसके लिए सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आज हमने परीक्षा प्रतिमान को, अब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में हमें यह चीज समझ में आती है कि परीक्षा प्रतिमान यानी कि पूछने की कौशल में बच्चों का विकास करना और अनुभवों के आधार पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण करके बच्चों के जो मानसिक कौशल है उसका विकास करना, जिसके आधार पर बच्चों को अपने जो भी एक्सपीरियंस है और अवलोकन ऑब्जर्वेशन, इनके द्वारा वो कितना सही चीजों को कैच कर सकते हैं और कितना चीजों को देख सकते हैं कि ये चीज कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। तो इस तरीके से सामाजिक अध्ययन में हमें यह सिखाया जाता है कि सही और गलत की जो पहचान है वो वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से की जा सकती है। यही है परीक्षा प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। तो ये जो टॉपिक है ये आपका लेवल 1 या लेवल 2, कोई भी बच्चा जो रीट की तैयारी कर रहा है, टीचिंग की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीटेट की भी तैयारी कर रहा है, वहां पर ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कॉमन है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप दे रहे हैं एग्जाम टीचिंग का और वहां पर ये इस टॉपिक में से प्रश्न ना आया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये टॉपिक जो है वो आपके लिए कॉमन है। हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, समझने की अगर बात करें, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, पर्यावरण अध्ययन हो, कहीं भी आपका सिलेबस आप उठाएंगे वहां पर देखेंगे ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक वीडियो में ही इस चीज को समझ लीजिए, जिससे कि आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग ये चीज ना करनी पड़े। आपको बस क्या करना है, यहां समझना है और उसको उसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी बालक को ध्यान में रखकर, बालक को सेंटर में रखकर ही शिक्षण जो है वो कराया जाता है। ठीक है, हम भी ध्यान रखते हैं इस चीज का। जो पहले की जो शिक्षा थी और अब की शिक्षा में अंतर है, पहले जो भी पाठ्य वस्तु तैयार की जाती थी वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं तैयार की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब बच्चे का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर हम शिक्षा जो है वो दे रहे हैं। तो इस शिक्षा को और अत्यधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालकों को सिखाना। तो अधिगम का जो प्रोसेस होता है उसमें जो शिक्षक होता है वो विभिन्न शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है, यही है सहायक सामग्री। भाषा शिक्षण को जिससे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके, शिक्षक जिस सामग्री का उपयोग करता है वही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो ये थी एक बिल्कुल सामान्य डेफिनेशन शिक्षण अधिगम सामग्री की। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में डेन महोदय का क्या कहना है। ये कहते हैं कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में
लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, मतलब इनका यही कहना है डेन महोदय का कि अगर हम कक्षा में पढ़ाए या शिक्षण की कोई भी परिस्थिति हो वहां पर कुछ लिखा हुआ, जैसे मैंने ये लिखा है, बोली गई, जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस पाठ्य सामग्री को, इसको समझने में सहायता प्रदान करे, तो हेल्प कौन कर रहा है इसमें? आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यही है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि मेरी बोली हुई बातों को, मेरी बोर्ड पर लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचा रहा है, यही है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो ये क्या है, डेंट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं। नेक्स्ट है वेबर के अकॉर्डिंग, 40% दृश्य, 25% श्रव्य, 17% स्पर्श अनुभव और 3% स्वाद व सुगंध से अधिगम होता है। यानी जो बच्चे का सीखना होता है वह 40% तो वो देखकर अधिगम करता है, सीखता है, 25% सुनकर, 17% स्पर्श या अनुभव करके, यानी कि टच करके या फिर एक्सपीरियंस से, और 3% तो स्वाद या सुगंध से वो अधिगम करता है। ठीक है, तो ये सभी पर लागू होती है, हम पर भी लागू हो रही है, आप पढ़ रहे हैं तो आप पर भी ये लागू हो रही है। अब आपको इस चीज से पता लगना होगा वेबर के अकॉर्डिंग कि 40% आप केवल देखकर ही अधिगम कर पाते हो, 25% केवल सुनकर ही कर पाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दो तो और ज्यादा शिक्षण प्रभावी हो जाता है। कैसे? अगर 40% और 25%, ठीक है, अगर आप इनको मिला देते हैं तो यानी 65%, तो आप 65% अधिगम कर पाते हो। तो ये क्या कहना चाहता है इनडायरेक्ट वे में, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे कि आप मुझे दृश्य कर रहे हैं, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को दृश्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, 25% मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है जो कि आपको ज्यादा अधिगम कराने में प्रेरित कर रही है। इससे आप और ज्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब ये है कि हम जो बुक से केवल पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो इतना नहीं होता है जितना कि हम देखकर और सुनकर साथ में कर रहे होते हैं। इसका कितना अच्छा एग्जांपल होता है, आप मूवी देखते हैं, कोई भी आप मनपसंद चीज जो है वो अपने टेलीविजन कंप्यूटर पर देखते हैं तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। आप भी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, हाँ मैंने ये डायलॉग जो है वो उसमें सुना था, उसमें देखा था, ये कविता जो है वो हमने उस सीरियल में सुनी थी, उस मूवी में सुनी थी, क्योंकि वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। लेकिन बुक में पढ़ी हुई चीजें जो है वो आप ज्यादातर भूल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जितना ज्यादा हमको दिखाया जाएगा और साथ में भी सुनाया जाएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा प्रभावी होगा। तो आप टीचर हो, इसी तरीके से आपको बच्चों को भी ये इस चीज के लिए मोटिवेट करना है, बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आपने बीएड जब की थी, जब भी आपने ये टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। सबसे फर्स्ट है दृश्य सामग्री, यानी कि केवल देखकर, जिनको वेबर कहते हैं कि केवल 40% जो है वो अधिगम कर पाते हैं देखकर। यह फर्स्ट है श्यामपट्ट से तो हम सभी लोग जानते हैं श्यामपट्ट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है स्कूल्स में हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड होता है, तो जो श्यामपट्ट है वह एक ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे कि बच्चे जो है वो अधिगम कर पाते हैं, सीख पाते हैं, क्योंकि जो श्यामपट्ट होता है वह शिक्षक का एक हथियार होता है। यदि श्यामपट्ट ना दिया जाए, ब्लैक बोर्ड ना दिया जाए, व्हाइट बोर्ड ना दिया जाए, तो शिक्षक का आधा जो काम है वो उनको लगता है कि जब हमें बोर्ड ही नहीं दिया गया तो अब हमारा एक हथियार जो है वो उनसे छीन लिया गया है। तो ये एक मेन हथियार होता है जिसका यूज जो है वह शिक्षण कराने में टीचर करता है। तो ये कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री, केवल देखकर अधिगम करने वाली। नेक्स्ट है चित्र या ग्राफ। अब अगर सामाजिक अध्ययन की ही बात करते हैं या ईवीएस की बात करते हैं आप,
तो वहां पर अगर किसी चीज का आप चित्र बनाकर बच्चों को दिखाते हैं तब भी वो अधिगम कर पाते हैं, वो उस चीज को सीख पाते हैं। तो ये क्या है, एक दृश्य सामग्री है देखकर संबंधित। ग्राफ के द्वारा हम बताते हैं बच्चों को कि कौन सी चीज जो है वो कितनी ज्यादा ग्रोथ कर गई है, कौन सी कम ग्रोथ कर गई। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ग्राफ का यूज करता है, मॉडल का यूज करता है। साइंस में मॉडल लेकर अगर दिखाते हैं तो बच्चे और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, बजाय उनको केवल आपने एक बुक ली और सिर्फ एक सुना दिया। तो सुनने की बजाय अगर आप मॉडल दिखाते हैं तो टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। पाठ्य पुस्तक जो है वह भी क्या है, एक दृश्य सामग्री है। फ्लैनल बोर्ड, अब ये फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल्स के बाहर या कोचिंग के बाहर या फिर आपने कॉलेज के बाहर एक बोर्ड देखा होगा जिसमें कि कुछ जो न्यूज होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो लाकर चिपका दी जाती है। ठीक है, इस तरीके का एक बोर्ड होता है और यहाँ पर चीज जो है, कुछ भी न्यूज जो है, कोटेशन है किसी की या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी होती है तो यहाँ पर लाकर चिपका दी जाती है। ये क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो बाहर होता है ताकि उसको देखकर सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि पिन से पेजों को दबा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमने फ्लैनल बोर्ड में क्या किया था, वहां पर हमने चिपकाई थी, और बुलेटिन बोर्ड में क्या करना है हमको, उस पिन से उसे दबा देना है जिससे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना गिर पाए। तो इस तरीके का होता है ये। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है। और शाम पट तो हमने देख ही लिया, नॉर्मल तरीके का इस तरीके का होता है जो कि हर क्लास के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडियोस्कोप। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको चित्रों के माध्यम से अभी आपको जैसे ही मैं पढ़ा लूंगी उसके बाद मैं आपको ये चीज दिखा दूंगी। ठीक है, कि क्योंकि देखी हुई और सुनी हुई दोनों सामग्री से ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। कि एपिडियोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसी, इसे मैजिक लैंटर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक लैंटर्न भी बोलते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये वर्ड आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैजिक लैंटर्न। ठीक है, और ये किस तरीके का होता है, इसमें स्लाइड होती है, स्लाइड जो इस तरीके का होता है, और स्लाइड जो होती है वो यहाँ पर लगा दी जाती है। टीचर जो है वो रोशनी के द्वारा दीवार पर फोकस जो है वो दीवार पर होता है, बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो एक साथ उनको दिखा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री, जिसमें है फर्स्ट रेडियो। रेडियो तो हम सभी जानते हैं कि इससे सुना जा सकता है। ग्रामोफोन, अभी ग्रामोफोन क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, उनका भाषण और गाने की जो शिक्षा देनी होती है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है ग्रामोफोन। इससे क्या होता है, बालकों को हम क्या लेक्चर जो है वो दे सकते हैं या गाने की जो शिक्षा है वो दी जाती है जिससे कि बच्चे सुन सके उसको। ठीक है, और सुन के वो क्या गेन कर सके और उसको सीख सके। तो ये क्या है, श्रव्य सामग्री, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी हमें पता है कि इस तरीके की एक कैसेट टाइप की होती है, उसे हम टेप रिकॉर्डर में लगाते हैं और फिर हम सुनते हैं। नेक्स्ट है लिंगुआफोन। अब ये जो है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या होता है, जो भी छात्र होते हैं उनके उच्चारण संबंधी जो शिक्षा देने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लिंगुआफोन का यूज करते हैं। छात्रों के उच्चारण को सही करके, यानी कि ये भाषा से संबंधित है, छात्रों का जो उच्चारण है उनको सही करके भाषा की जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं लिंगुआफोन। ठीक है, तो आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, तो ये रिपीट भी हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। अब ऐसी सहायक सामग्रियां जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टीवी हम देखते भी हैं और हम सुनते भी हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं। नेक्स्ट है फिल्म प्रोजेक्टर। जिस तरीके का एपिडियोस्कोप था, स्लाइड से और फिर दीवार पर सीधे फोकस किया जाता है और स्लाइड में जो भी कुछ लिखित सामग्री होती है वो सभी बच्चों को एक साथ जो है वो दिखाई जा सकती है, इसी तरीके से
फिल्म प्रोजेक्टर होता है, इसमें जो प्रोजेक्टर होता है वो फिल्म के थ्रू सुनाया और दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हम सभी जानते हैं कि यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। उसके बाद लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। उसके बाद है नाटक। नाटक जो है वह भी दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्योंकि वो जो ड्रामा दिखाया जाता है उसमें सीधा ही मूवी की तरीके से एक्टिंग की जाती है। एक्ट जो है वो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शिक्षण सहायक सामग्री अगर पूछी जाती है तो वो क्या होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि हम वहां देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और शिक्षण जो है वो बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये है एक बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ भी जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचानी होती है सभी को एक साथ, तो यहाँ हम उस चीज को लिख देते हैं और इस पिन के द्वारा इसे यहाँ दबा दिया जाता है जिससे कि ये वापस बाहर ना निकले। और ये अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसी तरीके से जब हम प्लैनर बोर्ड की बात करते हैं उसे भी इसी तरीके की लकड़ी के ऊपर जो है कुछ भी कागज पर या किसी भी पेपर पर लिखकर और यहाँ पर उसे चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आप देख लीजिए और यह एक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट है एपिडियास्कोप, जिसे कि हम दृश्य सामग्री कहते हैं। इसके द्वारा बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए ये इस तरीके की दिखाई देती है। उसके बाद देखिए ये है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्लाइड के द्वारा इसे दिखाया जाता है जो कि पारदर्शी भी हो सकती है और अपारदर्शी भी हो जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे रखा जाता है और उसके बाद उसे सीधा फोकस करके रोशनी के द्वारा और सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनके सामने ही उसे प्रस्तुत किया जाता है जिससे बच्चों को सभी चीजें जो है वो दिखाई दे सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी अधिगम जो है वो कराया जाता है और यह शिक्षण अधिकम सामग्री जो है वह कैसी है, दृश्य सामग्री है। ये देखिए इस तरीके की फिल्म स्ट्रिप होती है। फिल्म स्ट्रिप जो है वो इस तरीके की दिखाई देती है। नेक्स्ट है यह है ब्लैक बोर्ड, जिसे कि हम सभी जानते हैं, यह दृश्य सामग्री है। उसके बाद है यह डीवीडी प्लेयर, ठीक है। तो सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा कि ये डीवीडी प्लेयर होता है, इसमें डीवीडी या सीडी जो इसके अंदर जाती है और उसके बाद हम किसी भी चीज को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसीलिए यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। यह है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जिसके अंदर हम कैसेट्स डालते हैं और जिस कुछ भी हम सुन सकते हैं, तो ये क्या है, यह एक श्रव्य सामग्री है। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो जिसे कि हम सभी जानते हैं कि यह एक श्रव्य सामग्री होती है, इससे हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो सहायक सामग्री ऐसी थी जिन्हें देखकर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सभी ने इन चीजों को ही देखा हो। तो हमने देखा कि ये होता है बुलेटिन बोर्ड, इसे कहते हैं एपिडियास्कोप। नेक्स्ट है ये ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद इस तरीके की फिल्म स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड है। इस तरीके का डीवीडी प्लेयर होता है जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री है। यह है आपका टेप रिकॉर्डर है और यह है रेडियो। क्योंकि जो भी अब हमने इन चित्रों को देखा है तो अब हमें ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे। सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षण है, जो शिक्षक है वो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। अब प्रश्न उठता है कि अब इसका क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे जो शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। शिक्षण सहायक सामग्री से जो भी डिफिकल्ट जो विषय सामग्री वस्तु होती है वो इजी हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर भी वो दिखाई देती है, जिससे कि शिक्षण और अधिक सार्थक हो जाता है। पाठन जो होता है उसमें नवीनता आती है। एक हम बुक से पढ़ रहे थे, वही ओल्ड जो स्टाइल थी वो पुराने टाइम से चली आ रही थी, उसको हटकर हमने क्या किया, कुछ उसमें नयापन लेके आए, नवीनता लेके आए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
और बच्चों की जो रटने की प्रक्रिया है, सबसे मेन पॉइंट रटने की जो प्रक्रिया है वो से भी छुटकारा मिल जाए। बच्चे जो है वो बुक से केवल रटे जा रहे हैं लेकिन उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उस चीज को समझ भी रहे हैं, तो उनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियां। सबसे पहले तो शिक्षण विधियां क्या है, यानी क्या होती है शिक्षण विधियां, जिनसे कि टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, यानी बहुत अत्यधिक जो रोचक मूड बना सकता है और उनको इतना अच्छा बनाए कि विद्यार्थी जो है वो रुचि लेकर सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है उसको अच्छे से पढ़ सके। ओके, तो शिक्षण विधियां क्या है साधारण अर्थों में, जिससे कि शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, रोचक पूर्ण बनाने के लिए विधियों का यूज करता है। तो वो शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैंने शब्द यूज किए हैं उन पर ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इनसे भी पूछा जाता है कि शिक्षण विधियां क्या हो सकती है। इससे शिक्षण तो होता ही है रोचक पूर्ण, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक जो होता है उसकी सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी कि जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर से वो जागृत करना। इसके अलावा वह चिंतन शक्ति का विकास कर सके, यानी कि जितना ज्यादा वो सोच सके, जितना ज्यादा वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके। ठीक है, तो यही है शिक्षण विधि का अर्थ। ठीक है, परंपरागत जो शिक्षण विधियां थी वहां पर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आप लोगों ने भी स्टूडेंट रहे होंगे, जब देखा होगा कि शिक्षक जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन जो वर्तमान में शिक्षण विधि है, यानी वर्तमान में जिस टीचिंग का जो यूज किया जाता है, उसमें बालक जो होता है उसको केंद्र में रखकर हम बहुत अधिक युक्तियों का यूज करते हैं, जिससे बालक जो है उसको बर्डन महसूस न हो और वो चीजों को बहुत आसानी से सीख जाए। ठीक है, तो ये एक साधारण अर्थ में थी। अब एक डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं शिक्षण विधि क्या होती है। श्रीमती एस के कोचर का कहना है कि जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। यानी एक टीचर जो है उसको बहुत सारी शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जिस प्रकार एक सैनिक जो है वो हथियारों को लेकर लड़ने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उसे क्या हथियारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक के पास भी हथियार होते हैं और उन हथियारों का नाम ही क्या है, शिक्षण विधियां। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन को याद करने की एक ट्रिक जो है वो मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने सोची कि आपको बताई जाए। बाकी आप अपने तरीके से भी कोशिश करा करिए डेफिनेशंस को ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करने की। देखिए, श्रीमती एस के कोचर यानी कोच। अब कोच किसका होता है, एक समूह का कोच होता है, यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसका कोच होता है, चाहे वो प्लेग्राउंड में जो प्लेयर्स होते हैं उनका कोच हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो डेफिनेशन है उसमें सैनिक वर्ड यूज हुआ है। सैनिक यानी सैनिक को अपने हथियारों को चलाने के लिए किसका परामर्श आवश्यक है, कोच का। कोच यानी उसके ऑफिसर का। तो इस तरीके से आप ये जो डेफिनेशन है इसे याद रखेंगे। फर्स्ट है सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी जो विधियां हैं कैसे याद रहेंगी, बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगी। बस आपको समझना है कि सामाजिकृत अभिव्यक्त विधि, देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में क्या होगा। समूह में विचार विमर्श द्वारा भागीदारी। जब बालक जो होता है वो समूह में अपने विचारों को प्रकट करता है, तो वहां जो समूह में बच्चे जो होते हैं वो सभी इकट्ठे होकर भागीदारी लेते हैं, तो जिससे कि कंपटीशन की भावना का तो विकास होता ही है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वो अपने विचारों को प्रकट भी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेने के लिए वो प्रेरित तो होते हैं। अब एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं एमपी मुफात का क्या कहना है। एमपी मुफात कहते हैं समाजीकृत अभिव्यक्त व्याख्यान की अपेक्षा, यानी व्याख्यान पर बल नहीं देती है, मुफात का कहना है की अपेक्षा छात्रों के सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। छात्रों के जो हेल्प है उसके अधिक अवसर प्रदान करती है, उन्हें वो अधिक अवसर जो है वो प्रदान किए जाते हैं। यह एक सामूहिक वाद विवाद विधि है जिसमें सभी बालक अपना योगदान देकर प्रश्न पूछकर तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोगी ढंग से भाग लेते हैं।
तो इनकी जो डेफिनेशन है मुफाद की वो कितने अच्छे से बिल्कुल डिफाइन की गई है कि ये क्या है, ये एक वाद विवाद विधि है, यानी कि बातें की जाती हैं, अपने जो प्रकरण है उसे प्रस्तुत किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने विचारों को सामने रखते हैं, प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर प्राप्त करते हैं। अब ये विचार जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो रूप से सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के दो रूप से विचार जो है वो प्रकट किए जा सकते हैं, एक अनौपचारिक रूप से एक औपचारिक रूप से। इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिए, अनौपचारिक यानी कि समय की कोई पाबंदी नहीं हो, जहां पर जहां कोई नियम ना हो, जहां कोई आज्ञा का पालन ना किया जाता हो, बस अपने विचार जो है वो व्यक्त करने हैं स्वतंत्र रूप से, जो भी मन में आ रहे हैं वो, इसका अर्थ तो ये हो गया। औपचारिक रूप से क्या है, यानी यहाँ पर समय का भी निर्धारण होगा, नियम भी होंगे और कुछ निर्देशन भी होंगे जिनकी पालना करने के बाद जो बच्चा है वो भागीदारी लेगा और अपने विचार व्यक्त करेगा। ठीक है, अब इसके भी टाइप हो सकते हैं कि वो किन किन माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। सामूहिक वाद विवाद, आपने सुना होगा सामूहिक वाद विवाद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एक अनुदेशक होता है, अनुदेशक के साथ साथ कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ समूह के कुछ सदस्य होते हैं और श्रोतागण होते हैं जो कि उन विचारों को सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुदेशक होता है उसका कार्य होता है कि जो भी प्रकरण जो है टॉपिक है उसका निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। जो अध्यक्ष होता है उसका काम होता है कि वाद विवाद जो है उसका संचालन करना। ठीक है, उसके बाद जो समूह के सदस्य होते हैं वो तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और श्रोतागण होते हैं वो उनको सुन रहे होते हैं। सुनने के बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद वाद विवाद स्टार्ट होता है। श्रोतागण जो है वो सुनी हुई बातों को सुनकर और फिर अपने क्वेश्चन जो है वो पुटअप करते हैं और जो समूह के सदस्य होते हैं वो उनका आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, जो भागीदारी है वो सभी की हो रही है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी, नेक्स्ट है विचार समिति। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर श्रोतागण उनको मौका दिया गया था कि बाद में वो क्वेश्चन कर सके। यहाँ पर श्रोतागणों को क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं मिलता है, यानी प्रश्न पूछने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ पर तो जो समूह के सदस्य होते हैं वही उन विचारों को, जो समिति के सदस्य होते हैं वही अपने विचारों को बाहर प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवसर नहीं दिया जाता श्रोतागण को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी यानी कि सेमिनार, सेमिनार का आयोजन एक दिन ना होकर एक से दो दिन या तीन दिन या फिर एक सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम है वो फिक्स एक दिन नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो टॉपिक के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकलता है तब तक वह टॉपिक जो है वो चलता रहता है। उसके बाद है कार्यशाला, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप के नाम के बारे में भी आपने सुना होगा, भाई वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है वहां पर। तो इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक पक्ष के विकास हेतु अध्यक्ष जो होता है उसको प्रकरण संबंधी सैद्धांतिक और प्रायोगिक इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सभी जानकारी को विद्यार्थियों को देने के बाद उसके प्रयोग के लिए क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वह आगे चल के व्यवसायिक क्षेत्र में उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, इसीलिए वर्कशॉप जो है उसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि क्रियात्मक पक्ष के विकास की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष की यानी कि करके देखना, यानी कि जो प्रयोग है उसे करके देखने की बात की गई है यहाँ पर। जब करके देख लेते हैं तो बालक को और अच्छे से समझ में आ जाता है और जब वो इन फ्यूचर व्यवसायिक क्षेत्र में उस प्रकरण जो उस टॉपिक का जब यूज करता है तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि के अंदर ये होता है कि जो शिक्षक है वह विद्यार्थी के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करता है, यानी समस्या सामने रखता है और बच्चों को कहा जाता है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है तो वो चिंतन करें। तो यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के चिंतन का विकास करना होता है, यही है समस्या समाधान विधि। मोकम व सिम्पसन ये क्या कहते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी मानसिक क्रिया है। कैसी है ये, एक मानसिक क्रिया है, यानी कि इसमें चिंतन कर रहे हैं और चिंतन कैसे करते हैं, मानसिक तौर पर ही तो करते हैं,
मानसिक क्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी हुई समस्या का समाधान करती है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी में आपने ये चीज समझी होगी कि अगर चिंतन है तो चिंतन के लिए सबसे मेन चीज क्या है, क्या होना जरूरी है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। चिंतन के लिए सबसे परम आवश्यक क्या है, सबसे परम आवश्यक है समस्या का होना। जब आपके पास समस्या ही नहीं होगी तो आप चिंतन किस पर करोगे, तो चिंतन के लिए समस्या का होना आवश्यक है और चिंतन जो है वो एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑप्शन में अगर भावात्मक क्रिया होती है तो वो आप नहीं करेंगे, मनोगत्यात्मक होती है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतन कैसी है, एक मानसिक क्रिया है जिसमें सीखने संबंधी जो भी सीख रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं उसके संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, सभी शामिल होती हैं और दी गई समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वाली डेफिनेशन जो है वो कहती है समस्या समाधान विधि के कौन कौन से चरण हो सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं समस्या की स्टार्टिंग से लेकर और समाधान तक, समाधान प्राप्त करने तक कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो समस्या उसका चुनाव किया जाएगा कि भाई कौन सी समस्या है। परिकल्पना का निर्माण का अर्थ है कि वह अब उन्हें अनुमान लगाएगा, अनुमान के आधार पर सोचेगा कि ये जो समस्या है इसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो और अधिक सोच विचार करेगा। फिर जब उसने सोच विचार कर लेता है तो वह तथ्यों का संकलन करता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है, ठीक है। तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद तथ्यों की जांच करेगा कि क्या वह जो समस्या थी वह उसके तथ्यों से मैच खा रही है या नहीं खा रही है। उसके बाद होता है विश्लेषण करना, वह क्या करता है, एनालाइज करता है, वह समझने की कोशिश करता है, उसका क्या करता है, विश्लेषण करना करता है। विश्लेषण को हम कह सकते हैं कि वह निष्कर्ष निकालता है। जब उसकी समस्या और उसके तथ्य मैच खा जाते हैं और उसका वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि हाँ ये वही समस्या है जिसका समाधान खोजने के लिए मैंने बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित किया है, उनकी जांच की है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच खा रहा है। लास्ट में होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है वो अहम रोल निभाता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारा जो टॉपिक था, जिस विषय पर हम काम कर रहे थे, उसमें हम कितने पारंगत हुए, कितने सफल हुए, ठीक है। अब ये स्टेप जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन इसमें किस तरीके का पूछा भी जा चुका है कि समस्या समाधान की विधि में चरण कौन कौन से हैं। तो ये जो स्टेप है आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको थर्ड, इसको सेकंड बना देंगे या इसको थर्ड बना देंगे, नहीं। समस्या का चुनाव, समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना का निर्माण और लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया गया था मूल्यांकन। तो उसमें ये पूछा गया था कि समस्या समाधान विधि के अंदर कौन सा क्रम से असंगत है, ठीक है। तो वहां मूल्यांकन जो था वह उसका आंसर था, ठीक है। इसलिए इनको आप क्रमवाइज वाइज याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वयं खोज विधि। स्वयं खोज विधि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वयं खोज विधि यानी कि स्वयं से खोज करना। तो यह विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित है। अब मैं ही आपको कभी बोल देती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको ज्योग्राफी के अंदर कोई जो कंट्री है वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करो, नेट पे जाके सर्च करो, ठीक है। तो आप सर्च करते हैं तो यही है खोज विधि, स्वयं खोज विधि। इसके खोजकर्ता कौन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं खोज विधि के खोजकर्ता हैं एनई आर्मस्ट्रांग। कौन है, एनई आर्मस्ट्रांग। स्वयं खोज विधि को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जो कि ह्यूरिस्टिको ग्रीक वर्ड यहां से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, डिस्कवर करना, डिस्कवर करना यानी कि खोज करना, ठीक है। अब इस टॉपिक में से आपके दो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वो क्या पूछे जा चुके हैं कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दिया था। हिंदी में अगर जिसको याद है, जिसने इंग्लिश में याद नहीं की है तो उसको समझ में नहीं आया, इसीलिए इन दोनों को लिखा गया, क्योंकि कभी इनका जो इंग्लिश में पूछ लिया जाता है या कभी इसको हिंदी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसमें इनका नाम पूछा जा चुका है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसने दिया था, एनई आर्मस्ट्रांग ने दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं खोज विधि किस पर आधारित है। तो अब आपको पर्टिकुलर ये शब्द तो मिलेगा नहीं कि करके सीखने पर आधारित, या आपको कुछ समझना होगा। स्वयं खोज यानी स्वयं
खोज रहा है, यानी कि खुद ही तो करके सीख रहा है। तो करके सीखना विधि जो है वह स्वयं खोज विधि पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ये चीज लिख लीजिए, करके सीखना पर आधारित। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए जो डेफिनेशन है इनको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक इन डेफिनेशन का एक एक वर्ड चुनकर जब अपनी डेफिनेशन में डालते हैं, तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए, यानी बालकों को कम से कम बात करनी चाहिए और अधिक से अधिक खोजने को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि भाई कम से कम बात करो, लेकिन अधिक से अधिक क्या करो, डिस्कवर करो, खोजो। ठीक है, तो ये विधि जो है वो बहुत सिंपल है। क्या करना है, स्वयं खोज विधि पर यानी करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षण विधियों में। आपकी हिंदी शिक्षण विधि, आपके जो मैथ की शिक्षण विधि, आपके साइंस की शिक्षण विधि, सभी में ये विधि जो है वो काम आती है। इसे योजना विधि भी कहते हैं। अगर प्रोजेक्ट विधि ना लिखा हो और योजना विधि लिखा हो तो आप इससे भी समझ जाइए, या फिर लिखा होगा प्रायोजना विधि। ठीक है, ये भी यही विधि है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग व्यवसायिक शिक्षा में किलपैट्रिक 1918 में किया था। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, या ऐसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है वह व्यवसायिक शिक्षा में किसने किया, किलपैट्रिक ने किया। कैसे भी पूछा जाएगा आंसर क्या आएगा, किलपैट्रिक। कि शिक्षा में प्रयोग किसने किया, शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किसने किया, जॉन ड्यूवी ने किया। जॉन ड्यूवी जो दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने शिक्षा में प्रायोजना विधि का प्रयोग किया। ठीक है, किसका किया, प्रायोजना विधि का। तो ये सब एक ही नाम है इसके। ठीक है, किलपैट्रिक महोदय ने 1918 में ही प्रोजेक्ट विधि में चार प्रकार की योजनाएं बताई, रचनात्मक योजना, रसास्वादन योजना, समस्यात्मक योजना और अभ्यासात्मक योजना। ये चार प्रकार की योजनाएं बताई, इनका नाम जो है वो आप याद रखेंगे। अब ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट विधि की बात की जाए कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो आपका कहना यह होगा कि प्रोजेक्ट विधि वह विधि होती है जिसमें एक अध्यापक द्वारा शिक्षार्थी को एक प्रोजेक्ट, एक योजना बनाने को दे दी जाती है, उनको बता दिया जाता है, एक टॉपिक पकड़ा दिया जाता है कि इस योजना को आपको स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करना है। इसके बीच बीच में अगर कोई भी समस्याएं आती हैं तो वह उनको उनका निदान करने के बारे खुद सोचे। ठीक है, नेक्स्ट है पर अब छोटी छोटी सी विधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं, जैसे परिवेक्षित विधि है, पर्यटन विधि है, मस्तिष्क उत्प्लवन विधि है। परिवेक्षित विधि में क्या होती है, टीचर जो है वो केवल, जो टीचर है वो क्या करता है, वो सिर्फ निर्देशन का कार्य करता है और बच्चों को काम करने के लिए छोड़ देता है, और जब बच्चों को जरूरत होती है तो उन्हें बीच बीच में उन्हें उस चीज को बताता जाता है कि आपको इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए, आपको उस कार्य को उस तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट पर्यटन विधि। ठीक है, शिक्षण अध्ययन सामाजिक अध्ययन विधि में सबसे अधिक जो अहम रोल निभाती है वह है पर्यटन विधि, जिसे कि शैक्षिक प्रवण भी कहते हैं। यानी कि आप क्या करिए, शिक्षण विधियों की इस विधि के अंदर आपको अगर जैसे हिस्ट्री के कुछ स्थल के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाना है बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करेंगे, वहां बच्चों को ले जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान वो ग्रहण करेंगी तो उससे क्या होगा, वो ज्ञान जो है वो उनका लंबे टाइम तक बना रहेगा। ठीक है, तो ये शिक्षण विधि जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट विधि है। क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाता है, अगर बच्चों को किसी स्थल के बारे में आपको ज्ञान कराना है तो आप क्या करेंगे, क्लासरूम में बैठाकर उनको किताबों के अंदर, आप उनको किताबों से आप बता देंगे, या उनको टेलीविजन चलाकर या फिर कंप्यूटर पर चलाकर और उन्हें उस चीज का ज्ञान दिला देंगे, या फिर उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएंगे जिस किले का, जिस पर्यटन स्थल का उन्हें ज्ञान करवाना है। तो आंसर क्या होगा कि भाई आप अगर प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को वो ज्ञान दिलाएंगे तो वो उनको और ज्यादा आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्प्लवन विधि। ये विधि क्या होती है, इसके अंदर
यानी कि ब्रेन में जो भी बातें आ रही होती हैं, क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। मस्तिष्क उत्प्लवन का अर्थ ही है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन में भूचाल आना, यानी कि जो भी माइंड में जो भी बातें होती हैं, क्योंकि आपने भी कई बार बच्चों को देखा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पुट अप करते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है, भाई जो सन है वो पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम में ही क्यों छुपता है, आसमान में इतने सारे तारे कहाँ से आए, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बच्चों के होते हैं। यहाँ पर अगर एक बालक जो है वो दूसरे बालक को अपने विचार व्यक्त कर देता है, यानी उसके माइंड में जो बातें आती है वो उसके सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरा बालक जो है वो उसके विचारों को लेकर और आगे बढ़ता है, यानी उसके आगे वो सोचना प्रारंभ करता है, तो इसके लिए भी शिक्षक जो है वो मना नहीं करता है, यानी कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके भी माइंड में उन चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। तो बच्चों को अपने जो भी उनके सही गलत जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी उनके माइंड में होते हैं, उनको बाहर निकालने की एक ये विधि है। तो आज हमने शिक्षण की जो विधियां थी सामाजिक अध्ययन में उनका अध्ययन किया, जिसमें हमने सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, समस्या समाधान विधि, स्वयं खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, पर्यवेक्षण विधि, पर्यटन विधि और मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, इन्हीं में से शिक्षण विधियों में से आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं और आपके क्वेश्चन जो वो आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये सिर्फ एक समझ पर आधारित है, यहाँ आप रटने की कोशिश करेंगे तो अपने क्वेश्चन जो है वो हल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, 11th यूनिट के चैप्टर 4 के साथ। तो धन्यवाद।